मेरा नाम अजय जानवर है और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सीनियर स्पीक्स पे। आज के सीक्वेंस में हम देख रहे हैं ऑफिस का सीक्वेंस है और आप जेंट्स लोग को कुछ सबक सिखा रहे हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअली जैसे हमारी आपने देखा होगा कि बाहर की दुनिया में हमेशा हर एपिसोड आपको कुछ नई चीज़ सिखाता है, तो हमने ही एक ऐसा टॉपिक लिया जिससे आपको ये पता चलेगा वुमेन के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो काम भी करती है, वो घर भी संभालती है और किस तरह से वो मैनेज करती है और किस तरह से उसे अपनी भी प्राइवेसी चाहिए, अपने लिए भी टाइम चाहिए, तो हमें उस टॉपिक के ऊपर स्टोरी बनानी है, तो वही आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मेंस हमेशा वुमेन्स से कॉम्पिटिशन्स रखते हैं छुट्टियों के मामले में? देखो कॉम्पिटिशन वाली बात तो नहीं है, बट हाँ ये होता है कि सबको अपना पलड़ा भारी लगता है, उनको भी लगता है औरतें उनको भी चाहिए छुट्टी, बट वो एक होता है ना कि बैलेंस करने वाली चीज़ होती है, तो कंपटीशन नहीं कहेंगे, ये बस हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। अगर जब हमें टाइम मिले तो हम रेस्ट कर रहे हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो और आगे चल के दूसरे जो भी हमको काम मिले वो हम और अच्छे से करें। तो रियल लाइफ में आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं चलो अभी शूटिंग्स है मुझे भी थोड़ा छुट्टी चाहिए, ऐसा कभी लगा है आपको? बिल्कुल इंसान को रेस्ट के लिए उसको एक दिन का ऑफ चाहिए ही चाहिए, और जैसे हमारे भी बड़े के लिए जो है हमारे 12 आवर्स शिफ्ट होती है, तो कुछ घंटे मिल जाए या कुछ टाइम मिल जाए ताकि हम भी रेस्ट करें और जो हमारे पास जो हमें छुट्टी मिले टाइम मिले उसमें हम अपना वो काम कर सकें जो हम रोज़ नहीं कर पाते, आपको भी चाहिए। ओके लास्ट क्वेश्चन, बांग्ले की दुनिया के ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप रोज हमारा शो सैटरडे और बहुत चार हमारा शो आपकी वजह से ही है वहाँ पे, आपकी ही बदौलत ऐसे ही और अगर आपके पास कुछ आइडियाज आ रहे हैं जिससे हम स्टोरी बना सकते हैं तो आप वो भी हमसे शेयर कीजिए, हम डेफिनेटली। थैंक यू।